स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल APS Infotech पे। दोस्तों आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई नई वीडियो। दोस्तों आपने इन दोनों को जरूर देखा होगा, अक्सर ही इंटरव्यू में पूछा जाता है कि MCB और फ्यूज में क्या अंतर है, और हमारे मन में भी यह सवाल होता है क्योंकि यह दोनों चीज़ें हमारे घरों में आराम से यूज हो जाती है, बड़ी आसानी से आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 से 11 टॉपिक ऐसे बताऊंगा और उनके बीच में MCB और फ्यूज का अंतर भी आपको समझा दूंगा, जिससे आपके मन में MCB और फ्यूज को लेकर जितने भी डाउट हो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास आए बेल आइकन को जोर से दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है ऐसी ही वीडियो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड लेकर आने के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंस नंबर फर्स्ट देखें तो प्रोटेक्शन की बात करें, जैसे कि हमें पता है हमारी दोनों ही डिवाइस MCB और फ्यूज प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है। दोनों का ही उपयोग ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे हम कॉस्ट की बात करें यानी कि जो प्राइस की बात करें तो जो हमारा फ्यूज है उसकी प्राइस MCB की तुलना में थोड़ी कम होती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर रेटिंग या रेंज की बात करें तो जो हमारी फ्यूज है वो लो से हाई रेटिंग में जाता है, जबकि हमारा MCB है लो से मीडियम रेटिंग या रेंज के अंदर रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आफ्टर ट्रिप क्या होगा, यानी कि अगर जब हमारी MCB या फ्यूज ट्रिप कर जाता है यानी कि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड के समय हमारा फ्यूज ट्रिप हो जाता है, MCB ट्रिप हो जाती है, तो उसके बाद क्या? तो दोस्तों जब हमारा AC ट्रिप की कंडीशन आती है तो फ्यूज हमारा खराब हो जाता है तो हमें फ्यूज रिप्लेस ही करना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम किटकैट फ्यूज की बात करें तो उसमें जो वायर होता है उसको वायर को चेंज करना होता है, तो इसके लिए कई बार हमें इलेक्ट्रीशियन वगैरह की जरूरत पड़ जाती है। जबकि MCB में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ट्रिप होने के बाद आपको MCB चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही उसकी नोब को आप ऊपर कर दीजिए और हमारी MCB और हमारा सर्किट फिर से पुरानी तरह से काम करने लगेगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे पांचवा डिफरेंस देखें तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग टाइम की बात करें तो जो हमारा फ्यूज है इसकी शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग टाइम काफी अच्छा होता है, इसका 20 मिलीसेकंड होता है, जबकि हमारा MCB में यही बढ़कर 100 से 500 मिलीसेकंड के आसपास होता है। उसके अलावा ओवरलोड सेंसिटिविटी की बात करें कि हमारे सर्किट में ओवरलोड बढ़ गया है तो उसमें उसकी सेंसिटिविटी की बात करें कि कौन जल्दी इसका पता कर पाता है, तो फ्यूज इस मामले में थोड़ा सा कमजोर पड़ता है हमारे MCB की तुलना में। MCB में ओवरलोड सेंसिटिविटी काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से आजकल लोग MCB की तरफ रुख कर रहे हैं। उसके अलावा ऑन ऑफ स्टेटस की बात करें तो फ्यूज में कोई ऑन ऑफ स्टेटस नहीं होता, जबकि हमारे MCB में या जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उनमें ऑन ऑफ का स्टेटस दिखाई देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखें कि ये ऑन और ऑफ लिखा हुआ होता है इसके ऊपर। उसके अलावा दूसरा हम बात करें यूज एज ए स्विच, आठवां जो हमारा डिफरेंस है, तो हम जो हमारा MCB है उसको एक स्विच की तरह भी काम में ले सकते हैं, जबकि हम फ्यूज को एक स्विच की तरह काम में ले सकते हैं। उसके लिए हमें स्विच जो हमारा फ्यूज है बार बार हटाना पड़ेगा, जबकि हमारे MCB में जो हमारी नोब होती है उसको ऑन ऑफ करके हम स्विच की तरह काम में ले सकते हैं। उसके अलावा जो नोवा टॉपिक है यहाँ पे ऑन ऑफ ऑपरेशन स्पीड, तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि हम MCB को ऑन ऑफ आसानी से कर सकते हैं, जबकि हमारे फ्यूज में ऑन ऑफ करने का ऐसा कोई भी फीचर नहीं होता, उसके लिए हमें जो हमारा फ्यूज है उसको इस तरह से निकालना पड़ता है या और कुछ जो वहां से कनेक्शन हटाने पड़ते हैं, तो इसमें हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि हमारे MCB में हम डायरेक्ट नोब से ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो जो हमारा ऑन ऑफ ऑपरेटिंग स्पीड है वो हमारी MCB में हाई हो जाती है। उसके अलावा जो हमारा 10वां डिफरेंस है वो है हमारा सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन, यानी कि दोनों में सेफ्टी किसमें है ऑपरेटिंग में, तो हमारा जो MCB है वो सेफ्टी की तुलना में काफी अच्छा है, बहुत ही हाई सेफ्टी होती है, इसी वजह से आजकल आप देखेंगे कि धीरे धीरे फ्यूज का प्रचलन कम होता जा रहा है और लोग MCB की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो 11वां डिफरेंस है वो है KA रेटिंग, तो जो हमारी KA रेटिंग है वो हमारी फ्यूज की ज्यादा होती है,
जबकि एमसीबी की कम होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 11 डिफरेंस बता दिए, जिसमें आप फ्यूज और एमसीबी के अंदर काफी अच्छे से डिफरेंस समझ चुके होंगे। और जो भी आपका इंटरव्यू या कुछ भी जगह पर आपको ये पूछा जाता है तो आप बड़ी आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपको काफी कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला होगा। ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।